वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती स्टारर अपकमिंग तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म यानी कि भीमला नायक के ट्रेलर के बारे में। तो इस फिल्म के ट्रेलर को आज रात 9 बजे जो है रिलीज करवाया गया है, जहां पर ये फिल्म जो है 25 फरवरी को जो है थिएटर्स में रिलीज हो रही है तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में। ये फिल्म जो है साल 2020 में आई मलयालम फिल्म अय्यप्पम कोशियम की जो है ऑफिशियल तेलुगु रीमेक है। जहां पर ट्रेलर के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज पर जो है छोटी सी एक करना चाहता हूं कि फिल्म जो है 25 तारीख को रिलीज हो रही है, मतलब केवल 4 दिन का समय बचा हुआ है, फिल्म को तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज करवाया जाएगा। पर आज 9 बज चुके हैं, 9 बजे तक का समय है, फिर भी जो है इसके केवल तेलुगु ट्रेलर को रिलीज करवाया गया है। इसका हिंदी ट्रेलर जो है इस बार भी नहीं आया है टाइम पर। मतलब चलो एक फिल्म आती है पैन इंडिया स्केल पर, उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम कम था, तो मान लिया कि चलो एक फिल्म के साथ हो सकता है कि उनके पास टाइम कम था, इसलिए उनका जो हिंदी ट्रेलर है ओरिजिनल तेलुगु ट्रेलर से कुछ घंटों बाद या फिर काफी घंटों बाद जो है रिलीज करवाया गया। पर उसके बाद दूसरी फिल्म आती है, उनका भी सेम केस है, उनका तेलुगु ट्रेलर पहले आता है और जो हिंदी ट्रेलर है वो कुछ घंटों के, काफी घंटों के, 24 घंटे के बाद रिलीज करवाया जाता है। फिर ईटी, सूर्या की ईटी वाली फिल्म आती है, उसके अंदर भी उसका तमिल ट्रेलर पहले रिलीज करवाया जाता है और बाकी सभी वर्जन के ट्रेलर को, हिंदी वर्जन के ट्रेलर को 24 घंटे के बाद रिलीज करवाया जाता है, जिसमें से हिंदी ट्रेलर को एक ऐसे चैनल पर अपलोड किया जाता है जिसका कोई रीच नहीं है। मैंने अपने फिल्म टॉक के एपिसोड में भी कहा था कि ये बहुत ही गलत डिसीजन था ईटी के मेकर्स का कि उसके ट्रेलर को सन मराठी नाम के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना, और आप उसका नतीजा देखिए, 1.5 लाख व्यूज भी नहीं मिले हैं। 1.5 लाख व्यूज, एक ऐसा एक्टर जिसकी दो फिल्में जो है ओटीटी पर सुपर हिट रही हैं, जिसकी दोनों फिल्मों में से एक फिल्म तो ऑस्कर तक जा चुकी है और दूसरी फिल्म के ऑस्कर के जाने के लिए लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो एक ऐसा एक्टर जिसकी पिछली दो फिल्में ने इस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है और उसकी एक तीसरी फिल्म आती है पैन इंडिया स्केल पर उसको जो है इस तरीके से रिलीज करवाया जाता है। और आज देख लीजिए इस भीमला नायक फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला। इसका जो है तेलुगु ट्रेलर रिलीज हो चुका है और हिंदी ट्रेलर जो है अभी तक आया नहीं है। जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी तब कुछ लोगों को मैं सोशल मीडिया पर रोते हुए देखता हूं कि अरे यार इस फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ इसलिए नहीं चली, अरे यार लोगों को तो पता ही नहीं था इस फिल्म के बारे में। तो खिलाड़ी फिल्म का जो हिंदी ट्रेलर आया था उसको उसके तेलुगु ट्रेलर से ज्यादा व्यूज मिले थे, तो फिर भी लोग जो है रो रहे थे कि यार लोगों को तो पता ही नहीं था इस फिल्म के बारे में कि ये फिल्म जो है रिलीज हो चुकी है। तो ईटी का तो हाल और बुरा हो चुका है और भीमला नायक को तो फिर 4 दिन ही बाकी हैं। तो देखते हैं क्या होता है इस फिल्म के साथ। तो यही कहूंगा कि अगर रिलीज करवाना चाहते हो, बहुत खुशी होती है जब आप फिल्मों को हिंदी में रिलीज करवा रहे हो, पर अच्छी तरीके से रिलीज कराओ। ऐसा मत करो कि कल को अगर आपकी फिल्म नहीं चलेगी तो या तो आप में से कोई या फिर आपके जो शुभचिंतक हैं वो लोग ये बोलेंगे कि फिल्म का जो है प्रमोशन नहीं हुआ। तो प्रमोशन करने के लिए ऑडियंस ने तो किसी को मना किया नहीं है, ये मेकर्स के ऊपर है कि वो प्रमोशन करते हैं नहीं करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हिंदी में रिलीज करवा रहे हो तो उसी हिसाब से अपनी फिल्म की रिलीज डेट को भी तय कीजिए। तो देखते हैं अब भीमला नायक का जो हिंदी ट्रेलर है वो कितने घंटों के बाद रिलीज करवाया जाता है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। अब आइए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। तो सबसे पहले ये जो ट्रेलर है, मैं ऑनेस्टली कहूं तो मैं सुबह से इंतजार कर रहा था इस ट्रेलर का। प्री रिलीज इवेंट जो है कैंसिल कर दिया गया था, तो मुझे लग रहा था कि शायद इसके ट्रेलर को भी कैंसिल करवा दिया जाएगा, शायद इसका ट्रेलर कल आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं चलता। फिर बाद में पता चलता है कि नहीं, ट्रेलर जो है सही समय पर आ रहा है। और ऑनेस्टली कहता हूं इसके जो इंट्रोडक्शन सीन्स, इंट्रोडक्शन ग्लिम्स जो आए थे राणा दग्गुबाती के, पवन कल्याण के, वो इतने कमाल तरीके से एडिट हुए थे ना कि उन्हें आज भी मैं देखता हूं ना तो भी गूज़बम्स आ जाते हैं। मतलब भीमला नायक का जो इंट्रोडक्शन टीजर था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, जो एक्शन एडिट के साथ प्रेजेंट किया था, वो इतना कमाल का था ना कि आज भी मेरे सामने स्क्रीन पे आ जाता है ना तो फिर से मैं उसे देख लेता हूं एक बार। पर यहां पर भीमला नायक के इस ट्रेलर के साथ जो है ना सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है इसकी एडिटिंग के अंदर। देखो ट्रेलर की एडिटिंग का फिल्म के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, पर यहां पर आप 2.5 मिनट के ट्रेलर को रिलीज करते हो तो हमारा भी वही काम है कि हम उस 2.5 मिनट के ट्रेलर के बारे में ही बात करें। तो यहां पर इस ट्रेलर के अंदर जो एडिटिंग हमें देखने को मिलती है, जो ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक, सीन्स, एक्शन सीक्वेंस, डायलॉग्स को जिस तरह से मिक्स करके इस ट्रेलर को प्रेजेंट किया है ना, ऑनेस्टली कहता हूं कहीं ना कहीं वो जो पंच है, वो जो इंपैक्ट है ना, वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग नजर आया। क्योंकि ट्रेलर के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ सीन्स हैं जिनको ग्लिम्स में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया था, पर ट्रेलर के अंदर वो आते हैं चले जाते हैं, कुछ मजा ही नहीं आता है। एक कार ब्लास्ट वाला सीन है जो कि ग्लिम्स वीडियो में हमें देखने को मिला था, उस सीन को भी यहां पर ऐसे दिखा दिया है कि पता नहीं कैसे भगा के दिखा दिया, क्या नहीं पता नहीं। और साथ ही साथ दूसरी एक चीज जो मुझे थोड़ी सी खली वो ये थी कि कुछ फ्रेम्स, कुछ छोटे छोटे सीन्स ऐसे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि सिर्फ एक्टर्स का मुंह खुल रहा है पर वहां पर कोई डायलॉग नहीं है। उदाहरण के तौर पर जो एक सबसे पहला फ्रेम हमें देखने को मिलता है जब पवन कल्याण और राणा दग्गुबाती एक दूसरे के साथ आमने सामने पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं, तो फ्रेम जब स्टार्ट
स्टार्ट होता है ना, वहां पर देखो राणा दग्गुबाती का मुंह जो है खुलता है, पर वहां पे कोई डायलॉग नहीं है। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है तो वहां पे कोई डायलॉग नहीं है। फिर फ्रेम चेंज होता है और बाद में राणा दग्गुबाती का कैरेक्टर बोलता है कि तुझे पता है कि तूने किसको अरेस्ट किया हुआ है। तो वो सीन तो एक तो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा, तो वहां पर एडिटिंग में मिस्टेक है। इसके अलावा भी एक और फ्रेम आता है जहां पर राणा दग्गुबाती का कैरेक्टर कुछ बोल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो वहां पर भी जो है हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता है, केवल बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है। तो इस किस्म की एडिटिंग मैंने आज तक बहुत ही शायद कभी देखी भी नहीं होगी। अब ये इन्होंने इंटेंशन नहीं किया है या फिर गलती से हुआ है, एडिटिंग मिस्टेक है, क्या है क्या नहीं पता नहीं, पर कहीं ना कहीं वो चीजें जो है इंपैक्ट को कम करने में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। दूसरी तरफ बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो ग्लिम्स वीडियो के अंदर डैनी के कैरेक्टर के लिए, भीमला नायक के कैरेक्टर के लिए जो बीजीएम वगैरह यूज हुए थे, वो बीजीएम तो यहां पर हमें नजर आते नहीं है। उनकी जगह जो बैकग्राउंड म्यूजिक यहां पर स्टार्टिंग में बजता है ना, वो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि वो पावरफुल नहीं लगा मुझे। वो और बेटर बैकग्राउंड म्यूजिक हो सकता था। हालांकि फिल्म के अंदर काफी सारे साउंड ट्रैक्स, काफी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक हमें सुनने को मिलने वाले हैं, पर जिन्हें इस ट्रेलर के लिए सिलेक्ट किया गया है ना, वो मुझे कुछ खास लगा नहीं। ऑलरेडी इसके ग्लिम्स वीडियो में जो बीजीएम वगैरह हमें सुनने को मिल रहे थे ना, वो सही में बहुत ही कमाल के थे। इसके अलावा बात करें ट्रेलर के कुछ पॉजिटिव्स की, तो सबसे पहली चीज तो जिस ट्रेलर की जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थे इसके डायलॉग्स। त्रिविक्रम श्रीनिवास जी के द्वारा लिखे गए डायलॉग्स जो हैं कभी आपको डिसअपॉइंट कर ही नहीं सकते हैं। और यहां पर भी आप देखोगे काफी बेहतरीन डायलॉग्स यहां पर अब सुनने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, एक मास टच भी दिया गया है और साथ ही साथ वो पंच भी आपको जो है उन डायलॉग्स के अंदर सुनने को मिलता है। राणा दग्गुबाती और पवन कल्याण दोनों का ही स्क्रीन प्रेजेंस जो है काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। वहीं ट्रेलर के अंत में इन दोनों के बीच का जो एक फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं इस चीज का भरोसा दिलवाता है कि उस फाइट सीक्वेंस के अंदर हमें वही टेंशन, वही एंगेजमेंट जो है महसूस करने को मिलेगी जो अय्यप्पन कोश्यम के क्लाइमेक्स में हमें देखने को मिली थी। दूसरी तरफ मुझे कहीं ना कहीं ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा कि ट्रेलर के अंदर काफी जगहों पर कुछ चीजों को ज्यादा रिवील कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पे मुरली शर्मा का कैरेक्टर जब यहां पर राणा दग्गुबाती को जो है पवन कल्याण के पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताता है कि तूने उसकी वर्दी उतरवा के जो है बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो इन सभी चीजों को जो है मुझे नहीं लगता है कि ट्रेलर के अंदर रिवील करना चाहिए जब आपकी फिल्म जो है एक रीमेक फिल्म है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ट्रेलर जो है इसकी एडिटिंग की वजह से मुझे ठीक ठाक लगा है, बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस वगैरह और डायलॉग्स जो है काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर। अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया है तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो टीम से तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसके हिंदी ट्रेलर को आप लेट रिलीज कर रहे हो तो कोशिश करो कि उसे जो है थोड़ा और बेटर वे में एडिट करके प्रेजेंट करो। इस तरह से एडिट करो कि जो देखे बंदा वो एक्साइटेड हो जाए, उसे लगे कि कुछ एक्शन पैक आ रहा है, कुछ मासी एलिमेंट जो है आ रहा है पर्दे पर। तो शायद ये जो आपका लेट रिलीज करने का जो डिसीजन है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही साबित हो सकता है। अदरवाइज 3 दिन पहले इसके हिंदी ट्रेलर को रिलीज करवाना सबसे बड़ी गलती कही जाएगी मेकर्स की। अब देखते हैं ये गलती जो है इसका अंजाम जो है क्या होता है क्या नहीं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वैसे ट्रेलर की थोड़ी सी बुराई की है तो पसंद तो नहीं आएगा, पर फिर भी आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।